जैसा कि आपने कहा कि आज सुमनी श्रद्धांजलि हम सभी 57 जो हमारे MLA, MLC मेंबर पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सुमनी की श्रद्धांजलि हम देंगे और उसके बाद हमारी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन जी ने बोली है, उसके बोलने के बाद हमारे जय शक्ति नहीं है क्योंकि उनके बाद तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता बोले बात बनती नहीं है। लेकिन एक पर्सनल मैंने आपसे गुजारिश की है, मीन सिंह जी चूंकि मेरे सियासी गुरु भी थे और मेरे रियल अंकल भी थे, 57 जो हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी ने दे दी है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा अभी। मीन सिंह जी जिनका एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक रोल रहा है, सियासत में रोल रहा है, वो मल्टी फेस पर्सनैलिटी थे, एक सियासतदान के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जर्नलिस्ट, एक स्टेट्समैन, और मुझे लगभग 14 कंट्रीज में उनके साथ जाने का मौका मिला और वहाँ जाके पता चलता था कि बीजेपी जी के आस्थी हैं और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे डुग्गर प्रदेश को, डोगरा कौम को पूरे दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट किया है और पूरी दुनिया को मोटरसाइकिल पे घूम के एक बाई वर्ल्ड टूर ऑन मोटरसाइकिल, उन्होंने किताबें काफ़ी छपी उनकी, एक नई किताब उन्होंने लिखी और पीस मिशन को लेकर अमन शांति का पैगाम लेके पूरी दुनिया में वो घूमे। और मुझे लगता है कि आज 57 लोगों में उनका नाम इस सूची में जरूर है और पिछले 2 वर्ष पहले वो काफ़ी दिनों से बीमार थे और 2 वर्ष पहले इस दुनिया से विदा हो गए, हम सबसे विदा हो गए और उनका तरीका था आपको अपना था काम करने का, जब वो ठान लेते थे तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता था। मैं उमर साहब से बात एक दिन करता था कि जब उनके मन में कोई बात आ गई तो एक बार उमर साहब के खिलाफ पिटीशन एक दायर कर दी और मेरे हमारा भी उनके साथ था, मतलब हमने ब्लाइंड एक फेथ था उनके ऊपर, तो जो भी वो करते तो हमें हम भी नहीं पूछते, पिटीशन दायर कर दी और मुझे तीसरे दिन पता चला कि पिटीशन दायर कर दी है। लेकिन उनका हमारे पे भरोसा, हमारा उनके ऊपर भरोसा था। मैं इस मौके पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार फिर से प्रोफेसर बीन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में जगह दे। और चूंकि उनके परिवार में उनका बेटा ही है, उनकी वाइफ जो है वो पिछले दिनों इस दुनिया से चली गई, वो उनके परिवार के जो उनका बेटा है, मैं दुआ करूँगा कि उनको ये दुख ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत शक्ति और हिम्मत बनाए रखें उनके अंदर। तो एक बार फिर से बीन सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिला से धन्यवाद।